एक दिन एक कौवा एक दुकान से रोटी लेके भाग गया और वो उड़ते उड़ते थोड़ी दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वो पेड़ पर रोटी खाने बैठा तभी वहाँ उस पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी गुजरी। लोमड़ी ने जब कौवे की चोंच में रोटी देखी तो उसकी मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी उस समय बहुत भूखी थी। उसका मन हुआ कि किसी तरह ये रोटी मुझे मिल जाए। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने कौवे से कहा कि अरे कौवे भाई, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारे पंख, वाह कितने सुंदर, और तुम्हारी आवाज, जब तुम गाना गाते हो ना तो सच मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। लोमड़ी बोली, कौवे भाई आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो? अपनी तारीफ सुन के कौवा बहुत खुश हुआ और जैसे ही उसने गाना गाने के लिए मुँह खोला, कौवे के मुँह से रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने झट से वो रोटी उठाई और भाग गई और बोली, अरे तेरी आवाज सुन के किसी की थकान तो क्या उतरेगी और वो पागल ही हो जाएगा, ऐसी बेकार आवाज है तेरी। जाते जाते लोमड़ी बोली, अरे कौवे कभी सुनी भी अपनी आवाज, एक बार अपनी आवाज सही से सुन तो सही, और भाग गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतनी आसानी से हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। एक दिन एक कुत्ता खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे एक हड्डी दिखाई थी। उसने तुरंत हड्डी अपने मुंह में रखी और घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक पुल पड़ा और नीचे नदी बह रही थी। नदी में उसने खुद की ही परछाई को दूसरा कुत्ता समझ लिया और उसे लगा कि उसके मुंह में भी हड्डी है। कुत्ते के मन में लालच आ गया, अब उसे दूसरी हड्डी भी चाहिए थी। उसने जैसे ही कुछ भी कहने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी भी पानी में गिर गई। इसलिए तो कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। एक बिल्ली थी जो खुद को बहुत ही चालाक समझती थी, बहुत तेज समझती थी। जब भी उसे कोई चूहा दिखता तो वो झट से पकड़ लेती और खा लेती। सारे चूहे बहुत परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे चूहे भी सावधान हो गए। जैसे ही वो बिल्ली को देखते झट से अपनी बिल में जाके छुप जाते। एक दिन बिल्ली को बहुत भूख लगी थी, लेकिन दौड़ने फिरे बिल्ली को कोई चूहा मिल ही नहीं रहा था। जैसे ही बिल्ली चूहे को खाने जाती, चूहा झट से बिल में छुप जाता। तभी बिल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जमीन पर उल्टे हुए थे। बिल्ली नाटक कर रही थी कि जैसे कि वो मर गई है। जब सारे चूहे ने देखा कि बिल्ली ऐसी लेटी हुई है, एक पल को तो उन्हें भी लगा कि बिल्ली मर गई, लेकिन उन्हें पता था कि बिल्ली बहुत तेज है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए कोई भी जवान बिल्ली के पास नहीं जा रहा था, सबको डर लग रहा था। लेकिन बिल्ली भी कहा हार मानने वाली थी, वो भी बहुत तेज थी। वे बहुत देर तक उसी तरह उल्टी लेती रही। अब धीरे धीरे चूहों को यकीन आ गया कि बिल्ली सच्ची में मर गई है। सारे चूहे बिल से बाहर आ गए और नाचने लगे। सबको बड़ा मजा आ रहा था, चलो इस देर से छुटकारा मिले। और उधर इतने सारे चूहों को देखते बिल्ली मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। जैसे ही कुछ चूहे बिल्ली को देखकर उसके पास आए, बिल्ली ने उछल के दो तीन चूहे पकड़ लिए और खा लिए। चूहों ने किसी तरह भागते कूदते उछल कूद कर अपनी जान बचाई। अब चूहों को पता चल गया था कि बिल्ली तो बहुत ही तेज है, कुछ भी कर सकती है, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। अब कुछ देर बाद बिल्ली को दोबारा भूख लग गई। उसने सोचा, अरे अब क्या करूं, कैसे चूहे को पकड़ूं, कैसे खाऊं, इतनी आसानी से तो अभी ये हाथ भी नहीं आएंगे। तब बिल्ली को एक जगह बहुत सारा पाटा पड़ा हुआ दिखाई दिया। तुरंत बिल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया। बिल्ली ने खुद को पूरी तरह से आटे में लपेट दिया और एक जगह जाके लेट गई। अब उसने पूरी तरह खुद को आटे से ढक लिया था। चूहा ने सोचा, अरे इतना सारा आटा कैसे पड़ा है, चलो आज तो मजे आ गए, खाना खाते हैं। सारे चूहे बोले, देख इतना सारा आटा, चलो खाते हैं बिल्ली। जैसे ही चूहे आटे के पास जा रहे थे, एक बूढ़े चूहे को कुछ शक हुआ। उसने कहा, अरे रुको रुको, देख तो लो, इस आटे की शेप बिल्ली जैसी नहीं लग रही। अब सबने ध्यान से देखा, अरे कहीं आटे के पीछे बिल्ली तो नहीं है। और सारे चूहों को सारी बात समझ आ गई। पूरे चूहे ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सब अपने अपने बिल्ली जाओ, इस आटे में तो बिल्ली छुपी है। और पूरे चूहे की बात सुनकर सारे चूहे अपने बिल में चले गए। जब बहुत देर तक कोई भी चूहा बिल्ली के पास नहीं आया तो बिल्ली थक गई और हार कर चली गई। बस सारी चूहे अब मस्ती से रहने लगी, उन्हें बिल्ली से छुटकारा मिल गया था।
बिल्ली और चूहे की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर समय हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। एक गधा था, वह बहुत ही बेवकूफ था। सारे जानवर उसका बहुत मजाक बनाते थे। गधे को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कर क्या सकता था। एक दिन गधा ऐसे ही घूम रहा था, उसे रास्ते में एक शेर की खाल पड़ी मिली। उसने वह खाल पहन ली। अब गधा जहाँ भी जाता, जानवर या तो उससे डर के भाग जाते या उसे झुककर नमस्ते करते। गधे को इन सब में बड़ा मजा आ रहा था। अपने प्रति लोगों का ऐसा व्यवहार देख के गधा बहुत खुश था। अब वह खुद को शेर ही समझने लगा। उसकी तो जान ही बदल गई थी। एक दिन गधा ऐसे ही मस्त होके घूम रहा था। रास्ते में उसे दो तीन गधे आपस में मस्ती करते हुए मिले। वो सब आपस में जोर जोर से रेखने लगे। शेर की खाल में छिपा गधा भी जोर जोर से रेखने लगा। जब आसपास के जानवरों ने ये देखा तो सब समझ गए कि ये तो शेर की भेष में गधा है। सारे जानवर चिल्लाए, मारो और मारो ये शेर, ये बेवकूफ बनाता है हम। और सारे जानवर उसे पकड़ पकड़ के बहुत मारा। इसलिए कहते हैं कि सच्चाई कभी भी छिपती नहीं है।